हिमाचल प्रदेश पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि यहां बहुत दर्दनाक स्थिति है और बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम बार बार केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो इससे बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से जो जो हो सकता है वो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री खुद आपदा के समय से मदद करने में जुटे हैं। कुछ चीजें सिर्फ केंद्र सरकार ही कर सकती है और मुझे उम्मीद है कि वे करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार की आपदा का राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है। जब इतना बड़ा संकट आया है तो पूरे देश को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए। बहुत दर्दनाक स्थिति है और बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। एक्चुअली जितना वीडियोस में दिखता है और सोशल मीडिया और खबरों पे दिखता है उससे ज्यादा ही लगता है, तो लोग काफी दुखी हैं। सरकार से क्या मदद की मांग कर रही है आपको? जी हम बार बार चाह रहे हैं कि और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर इस जो यहाँ पे हुआ है इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो बहुत इनको सुविधा हो जाएगी, क्योंकि प्रदेश सरकार की तरफ से जो जो हो सकता है वो कर रहे हैं। आप सबको मालूम है, आपने देखा है कि सुक्कू जी खुद 24 घंटे इसके लिए आपदा के समय भी एक्टिव रहे और सबने इकट्ठा मतलब मदद करने की कोशिश की। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें हैं जो केंद्र सरकार की मदद से ही हो सकती हैं और हमें पूरी आशा है, उम्मीद है कि वो करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की आपदा का कोई राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहता है या कुछ ऐसा है। मुझे लगता है कि जब देश में एक प्रदेश में इतना बड़ा संकट आया है तो पूरे देश को एकजुट होकर मदद करनी चाहिए और उम्मीद है कि केंद्र सरकार भी करेगी। मैम ये सेब का बाजार। अब उत्तराखंड की खबरें आपको मिलेंगी व्हाट्सएप पर भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से अभी ज्वाइन करें और अपने उत्तराखंड वाले ग्रुप पर पाएं उत्तराखंड की हर खबर।